brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी फुंदे लाल जी बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। आइए हम फुंदे लाल जी से ही जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर इस लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं। फुंदे लाल जी, आपको लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, 3 बार से आप विधायक रहे हैं और इस बार लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय दो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष गुप्ता जी, हमारे रमेश सिंह जी संगठन के हमारे प्रभारी आदरणीय अजय अवस्थी जी के साथ मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार मानता हूँ। और जहाँ तक लोकसभा की बात है, क्योंकि ये राष्ट्रीय विचारधाराओं के साथ हम लोग यह चुनाव लड़ते हैं और हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। भाजपा अपनी चुनाव लड़ रहे, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास संगठन है, हम अपने कार्यकर्ताओं के दम से हम इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। और मैं आप ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये भय दिखा करके और जीतना चाहते हैं दबाव बना करके, इस बार जो है शहडोल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और आने वाले समय में और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, ऐसा मानते हैं। बुद्धिलाल जी, जो भाजपा से पूर्व में सांसद रही है, उनके अगर पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो आप उसका कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, हमारे इसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी बात करेंगे। हम मानते हैं कि जो भी प्रतिनिधि है, जिसको जनता अपार विश्वास करके और उस पद में सुशोभित कराते हैं, और उनका नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी जनप्रतिनिधि का कि उनके आशा के अनुरूप वो खड़े उतरें। लेकिन पूरे शहडोल संसदीय क्षेत्र में भी मैं दौरा किया हूँ, शहडोल, उमरिया, हम बड़वारा जाएंगे, तमाम उसमें लोग बहुत नाराज हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं। लोग 5 साल कभी कोई एक काम वो किसी गांव में जाकर के नहीं बता सकते हैं, जिसके कारण लोग परिवर्तन के मोड में हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि भारी मतों से कांग्रेस इस बार विजयी होगी। लोग घबराए हुए हैं, हम नहीं घबराए हैं, भाजपा इस बार घबराई हुई है। उनके नेता, जैसे ही मैं दौड़ा शुरू किया हूँ, मुख्यमंत्री दौड़ चले आए, अभी गांव-गांव में उतर, अभी देखिएगा उतरने लगेंगे। हम इतना जो है कह सकते हैं कि हम कार्यकर्ताओं के दम से जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। हमारी 5 वादा जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, न्याय की बात हमने किया है, उसको लेकर के हम जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव 2023 में जो मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने लाडली बहनाओं को 3,000 रुपया देने का इन्होंने वादा किया था, 3100 रुपये किसानों को प्रति क्विंटल धान खरीदने का बात कहा, 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की बात किए, 450 रुपया का गैस सिलेंडर की बात आपने किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी पर आपने क्या काम किया है, वो सारे मुद्दे अभी जीवित हैं। और कहीं भी चाहे वो जितना बताएं, आज भी गांव गवई में आप जाएंगे, लोग पानी के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए आज परेशान हैं। और हम मानते हैं कि लोग आने वाला समय यह बहुत अच्छा रहेगा कांग्रेस के लिए। दिलाल जी, एक सवाल और था मेरा कि बहुत सारे लोग ऐसे लगातार कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे कांग्रेसियों को आप क्या कहेंगे? और दूसरा, ऐसे में आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे आप बना के रख पाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ जब भी चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, कुछ तो अभी निस्वार्थ से लोग भागते हैं, इधर उधर जाते हैं, कुछ जो है अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। ये जरूर है कि जब परिवार का कोई भी सदस्य जाता है, दुख लगता है, लेकिन जो जा रहे हैं, ऐसे लोग जा रहे हैं जो अपने कारोबारी को बचाने के लिए जा रहे हैं, उनसे हमारे पार्टी में कोई नुकसान नहीं होगा। और हम जानते हैं कि एक जाएगा तो 10 उससे जुड़ेंगे भी, तो एक पतझड़ होगा, पतझड़ के बाद एक नए टहनी निकलेंगे और उसमें जो है खूब उनका जो है उत्साह भी होता है, उमंग भी होता है, जोश भी होता है, सुंदर दिखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। 1996 से लेकर अभी तक कांग्रेस को एक बार सफलता मिली है, तो ऐसा आपको अगर आप इसको एनालिसिस करते हैं तो आपको क्या कारण दिखाई देता है? हम एनालिसिस अपने चुनाव पर मैं कर रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, बस बात खत्म।
कब कब क्या हुआ इससे मुझे मतलब नहीं है। अपने हम कामों पर, अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं, कार्यकर्ताओं पर हम विश्वास रखें कि हम इस बार किसी भी तरीके से हम जो है बूथ पर पूरा डट के हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी छलबल कपट से जीतने का जो प्रयास कर रहे थे वो इस बार हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शहडोल से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह, जो कि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि जो सांसद की निष्क्रियता है उसको यह भुना पाएंगे और कांग्रेस के लिए यहां से सीट निकाल पाएंगे। एमपी तक के लिए राविंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।